नमस्कार दोस्तों, आ गई रे चटोरी के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम एक ऐसी नई डिश के बारे में आपको बताने वाले हैं और खिलाने वाले हैं कि आप भी शायद उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो गीता, इस बारी क्या खाने और खिलाने वाले हो? हम करी के लड्डू खाने वाले हैं। बुंदेलखंड में इसको करी का लड्डू कहते हैं, जो बेसन के सेव से और गुड़ से बनता है। वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन करके कि बेसन का लड्डू। वाह, सुन करके ही मुंह में पानी आ गया। मैं तो खाऊंगी और देखूंगी कि मैंने खाया तो पहले बहुत है लेकिन कभी बनाया नहीं है, तो साथ में मैं भी देखूंगी कि आखिरकार बेसन का लड्डू बनता कैसे है। वैसे तो कहते हैं कि बेसन चने से बनता है और चना एक ऐसी चीज़ है जो 56 भोग बनाता है, लेकिन ये जो करी का लड्डू है ये बुंदेलखंड का सबसे फेमस और सगुन तर का लड्डू माना जाता है। तो ये यहाँ के बुंदेलखंडी लोग तो हमेशा खाते बनाते रहते हैं, खासकर ठंडियों में और शादी ब्याह में ज़रूर से ज़रूर। हाँ गीता, सही बात है, ये तो मैंने देखा है शादियों में कि लोग लड्डू बनाते हैं और वो भी जिसको टिपार बोलते हैं उसमें भर करके देते हैं जब अपनी लड़की को विदा करते हैं ससुराल के लिए जी। तो ये ज़रूर देते हैं ताकि, और जब ये भी देखा कि जब बहू के घर में, मतलब जिस घर में बहू आ रही होती है उस बार घर में भी मैंने शादी में देखा है कि वो लड्डू आते हैं और फिर उनको घर घर, मतलब अपने व्यवहार के रूप में उसको बांटा जाता है। और उस समय का जब लड्डू ये होता है टेपार में भरा जाता है तो उस समय का इसका नाम होता है माठ का लड्डू। अच्छा, तो ये एक अलग इसकी पहचान हो जाती है शादी के समय। अच्छा, क्योंकि उसको माठ का लड्डू बोलते हैं उस समय। चलिए तो ठीक है, इस माठ के लड्डू को खाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने एक कटोरी में रिफाइंड लिया है लगभग 250 ग्राम और ये 150 ग्राम के आसपास बेसन है और इतना ही गुड़ है 150 ग्राम के आसपास, और ये थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा लिया है। अब इसको मैं बनाऊंगी। करी के लड्डू बनाने के लिए पहले हम बेसन को छन्नी में डाल के छानते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं। पानी डालकर उसे जिस तरह से बेसन की भजिया बनाई जाती है उससे थोड़ा गाढ़ा बेसन को मारते हैं और फिर चूल्हे में कढ़ाई रखते हैं, उसमें तेल डालते हैं और जब तेल गर्म हो जाता है तब हम कढ़ाई में छन्ना रखकर बेसन हाथ में लेते हैं और फिर उसका सेव छांटते हैं। सेव छांटने के बाद उसको छन्नी से कढ़ाई में पलटाते हैं, लगभग 5 मिनट तक उसको पकने देते हैं, ज़्यादा तेजी आंच में नहीं, मीडियम आंच में। जब वो पककर उसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाता है तब हम उसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो जितना बेसन होता है उससे आधा गुड़ डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 किलो बेसन लिया था, ये 2 किलो बेसन के सेव हैं और ये जो कढ़ाई में है ये मैंने 1 किलो गुड़ लिया है। अब इसको चूल्हे में चढ़ाऊंगी, इसमें पानी डालूंगी और फिर इसका सीरा बनाऊंगी। तो ये अब गुड़ का सीरा बन रहा है, गुड़ गया है गुड़, लेकिन अभी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 5 मिनट। और जब ये इसका तार कड़े से बंधने लगेगा ऐसे करने पे, जब ऐसे करता आता है सीरा तो तार बंधने लगता है ऐसे, तब फिर उसको उतारूँगी। मीठा सोडा है, हल्का सा मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे गुड़ का कलर जो है ना वो थोड़ी और अलग तरीके का दिखने लगता है और खाने में टेस्टी होता है। सेव है, गुड़ में डाल रही हूँ मिलाने के लिए, अब फिर इसको मिलाऊंगी धीरे धीरे करके।
मैं लड्डू बनाना शुरू कर रही हूँ। लड्डू ये आपको भी पसंद आए तो आप ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा। तो ये जो मैं बार बार हाथ में लगा रही हूँ ये वही बेसन का, जो मैंने बेसन गूंजा था उसी का पानी है लगा रही हूँ, क्योंकि हाथों में चिपके ना, इसलिए क्योंकि बार बार जब हाथ में उठाते हैं तो चिपकने लगता है ना, इसलिए फिर लड्डू बन नहीं पाता है। आप अगर चाहें तो इन लड्डुओं को पानी की जगह तेल या घी से भी बना सकते हैं, घी लगाकर भी, ताकि हाथ में चिपके ना, क्योंकि ये तो सिर्फ चिपकने के लिए ही लगाया जाता है और इसमें कोई वो नहीं है। तो अब हमारे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि अब हमारा जो करी का लड्डू है वो बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग की किस तरह से ये लड्डू बना हुआ है, गोल मटोल, कितना गोल और टेस्टी अभी से ही दिख रहा है। मुझे तो देख करके इतनी लालच आ रही है कि बस मैं अभी इसको खा जाऊं। तो जल्दी से गीता हाँ, खाते हैं। तो ये लीजिए, खाइए। नहीं नहीं, मैं अकेले हाँ, लूँगी। ओके ठीक है, कौन से वाला? कोई भी ले लो, ये वाला खाना है आपको? मैं खा रही हूँ। सच में बहुत अच्छा है गीता, बहुत टेस्टी बना हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और मतलब कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि इनको मीठा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर इसको खाएंगे और इसमें बेसन भी है, वो भी भुना हुआ बेसन, मतलब जब ये पक जाता है तब तो इसका सोंधापन वैसे भी बढ़ जाता है, और गुड़ के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, और ठंडी के लिए और नाश्ते के लिए तो एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। तो दोस्तों हमने तो खा लिया बेसन का लड्डू और गुड़, और क्या मतलब खाने में एकदम कुड़कुड़ाहट थी, क्या कहेंगे उसको, मतलब इतना वो बना था सोंधा और कुड़कुड़ेदार, मतलब कि इतना टेस्ट लग रहा था कि उसको जैसे ही मुंह में डालो किस तरह की सोंधी सोंधी आवाज़ आ रही थी, मतलब तो उसकी आवाज़ सुन के ही इतना अच्छा लग रहा था, तो समझो कि लड्डू खाने में कितना मज़ा आ रहा होगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, देखिए और बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने घर में इसके साथ प्यार बांटिए। तो इसी तरह से हम आते रहेंगे अलग अलग डिशें लेके आपके साथ, तो आप भी देखिए और खाइए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर शो आप तक पहुंच सके और आप नई नई डिशें देख सकें। और हाँ, आपके यहाँ भी कोई ऐसी खास और नई डिश है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके यहाँ भी आने के लिए तैयार हैं। क्यों बताएंगे गीता, सब लोगों को लगता है बस ये बस खाने के लिए आ जाती हैं, तो ऐसी बात नहीं है। साथ साथ आपके खाने की हम अपने चैनल पर सराहना करेंगे, दिखाएंगे, ताकि बाकी लोग जो ऐसी रेसिपी को देखने के लिए गूगल को और यूट्यूब को सर्च करते रहते हैं, तो क्यों ना खबर लहरिया के चैनल पर आप देखिए हम चटोरियों के साथ में।